आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट विष्णु के बारे में। आप में से जो लोग अल्फा डिफेंस को रेगुलरली फॉलो करते हैं उनको ये चीज पता होगी कि DRDO एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है जिसका नाम है प्रोजेक्ट विष्णु। और प्रोजेक्ट विष्णु के तहत DRDO एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम डेवलप कर रहा है। इससे पहले जब हम लोगों ने प्रोजेक्ट विष्णु के ऊपर वीडियो बनाया था तब हमने आपको बताया था कि प्रोजेक्ट विष्णु एक स्क्रैमजेट पावर्ड हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम होगी जो काफी हद तक HSTDV के ऊपर बेस्ड होगी, लेकिन उस समय ये केवल एक कॉन्सेप्ट था और इसके ऊपर केवल डिजाइन वर्क चल रहा था। अब प्रोजेक्ट विष्णु अपने नेक्स्ट फेज में आ चुका है और आने वाले कुछ समय के अंदर ये प्रोजेक्ट ग्राउंड बेस्ड टेस्टिंग में चला जाएगा। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज यानी कि NAL की हाई एंटैल्पी टेस्ट फैसिलिटी जो बैंगलोर में स्थित है वहां पर इसके ग्राउंड टेस्ट शुरू किए जाएंगे। बेसिकली इस टेस्ट फैसिलिटी में हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम विष्णु में यूज किए जाने वाले स्क्रैमजेट इंजन को पार किया जाएगा। नॉर्मली इस तरीके की टेस्ट फैसिलिटीज में स्क्रैमजेट इंजन को पार करने के लिए इसमें सुपरसोनिक स्पीड से हवा को ब्लो किया जाता है और जब इंजन के अंदर सुपरसोनिक स्पीड से हवा आती है तो स्क्रैमजेट अपना काम करना शुरू कर देता है। इस इंजन के अंदर हवा को कंप्रेस करके इसके साथ में फ्यूल मिक्सचर ऐड किया जाता है और कंबशन चैम्बर में कंबशन होता है। इस टेस्टिंग के दौरान दो तरीके के कंबस्टर बनाए जाएंगे, एक फुल स्केल कंबस्टर और दूसरा सब स्केल कंबस्टर, जिसको एक्चुअल कंबस्टर के 1/4 ड्यूरेशन तक ही टेस्ट किया जाएगा। सब स्केल कंबस्टर की जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो 400 सेकंड्स की है, यानी कि 400 सेकंड्स तक इस कंबस्टर को ऑन रखा जाएगा और इस दौरान इसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करके ये समझने की कोशिश की जाएगी कि जब एक्चुअल प्रोजेक्ट विष्णु मिसाइल सिस्टम बन जाएगा तो इसकी परफॉर्मेंस कैसे रहने वाली है। चीजों को कॉन्टेक्स्ट में डालने के लिए आइए एक बार एक कैलकुलेशन को समझने की कोशिश करते हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि हम लोग किस तरीके की मिसाइल सिस्टम की बात कर रहे हैं। देखिए, जैसा कि हम लोग आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि सब स्केल कंबस्टर 400 सेकंड्स के लिए इग्नाइट किया जाएगा और ये 400 सेकंड एक्चुअल सिस्टम का 1/4 ड्यूरेशन है, यानी कि एक्चुअल ड्यूरेशन इससे 4 गुना ज्यादा होने वाली है। यानी कि जो फाइनल प्रोजेक्ट विष्णु मिसाइल सिस्टम बनकर निकल कर आएगी उसमें यूज होने वाला कंबस्टर लगभग 1200 सेकंड के लिए पार किया जाएगा। और ऐसी स्थिति में अगर हम लोग कंजर्वेटिव होके ये मानकर चले कि ये कंबस्टर इस मिसाइल सिस्टम को केवल 6 मार्क की स्पीड तक ही ले जाएगा तो इस मिसाइल सिस्टम की एक्चुअल रेंज काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट होने वाली है। देखिए, 1 मार्क किलोमीटर पर सेकेंड में 0.343 होता है और अगर आप 6 मार्क की बात करें तो ये लगभग 2.058 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाता है। और अगर आप इस स्पीड से 1200 सेकेंड के लिए ट्रैवल करते हैं तो आपकी मिसाइल सिस्टम 2469 किलोमीटर और 600 मीटर्स पर जाकर गिरेगी। लेकिन यहाँ पर यह भी समझना बहुत जरूरी है कि स्क्रैमजेट को पार करने के लिए आपको पहले सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स की आवश्यकता होगी जो स्क्रैमजेट इंजन को सुपरसोनिक स्पीड तक लेके जाएंगे, जिसके बाद एक्चुअल स्क्रैमजेट इंजन पार होगा और वो इस मिसाइल सिस्टम को लगभग 2500 किलोमीटर तक की दूरी ट्रैवल कराएगा। यानी कि यहाँ पर ये चीज कही जा सकती है कि एक्चुअल मिसाइल सिस्टम की मिनिमम रेंज 2500 किलोमीटर की होगी और वो भी तब जब हम लोग कंजर्वेटिव तरीके से ये मानकर चल रहे हैं कि इस मिसाइल सिस्टम की मैक्सिमम स्पीड केवल 6 मार्क की होगी। और ये चीज हम सब जानते हैं कि अगर हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम बनाई जा रही है जो स्क्रैमजेट इंजन से पार की जाएगी तो उसकी मैक्सिमम स्पीड केवल 6 मार्क तक लिमिटेड नहीं रहेगी। इनफैक्ट HSTDV जो टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर व्हीकल था उसकी ही स्पीड 6 मार्क से ज्यादा की थी। इन सभी चीजों को देखते हुए अगर हम लोग इसको कंजर्वेटिव तरीके से भी लेकर चले तो कहा जा सकता है कि ये मिसाइल सिस्टम एक काफी केपेबल हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम होगी। इसके अलावा इस मिसाइल सिस्टम प्रोग्राम के ऊपर जिस तेजी से काम हो रहा है वो भी काफी सिग्निफिकेंट है। देखिए, प्रोजेक्ट विष्णु के बारे में ज्यादा डिटेल लगभग 6 महीने पहले निकल कर आई थी और ऑलरेडी ये मिसाइल सिस्टम अपने ग्राउंड बेस्ड टेस्टिंग में जाने के लिए तैयार है। इसका मतलब ये है कि इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी तेजी से काम किया जा रहा है। यानी कि अगर चीजें इसी तरीके से मूव करती हैं तो साल 2025-26 तक ये मिसाइल सिस्टम पहले टेस्ट के लिए तैयार होगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।